नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में फिर से बढ़ाए गए दूध के दाम। बिहार डेयर 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी आगे। अवैध बालू खनन मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के 2.21 लाख लाभुकों को भेजा नोटिस। शेयर सैयद की सर्जरी पर आया बड़ा अपडेट। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में ईद को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने दी मुबारकबाद। आज पूरे देश भर में ईद मनाया जा रहा है, ऐसे में ईद को लेकर बिहार में प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई है और हाई अलर्ट रखा गया है। बता दें कि ईद के मौके पर आज बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों की संख्या में मुसलमान भाइयों के द्वारा ईद का नमाज पढ़ा गया। इस दौरान सभी लोगों ने पैगम्बर मोहम्मद को याद करते हुए ईद का नमाज अदा कर एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी। मालूम हो कि इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी गांधी मैदान में मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं। खुदा सभी लोगों पर अपनी रहमतों की बारिश करे और सबों का जीवन सुख शांति एवं समृद्धि से भरा रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि रमजान के मुकम्मल होने पर आप सभी को मुबारकबाद। आइए इस ईद को मोहब्बत और संजीदगी से मनाए। मुल्क में खुशहाली, भाईचारगी, तरक्की और इंसानियत की बुलंदी हो। परवरदिगार हम सबों को जरूरतमंदों का मददगार बनाए। इन्हीं दुआओं के साथ खुदा हमारी तमाम इबादतों को कबूल करे। बिहार में फिर से बढ़ाए गए दूध के दाम। पहले से महंगाई की मार झेल रहे बिहार वासियों को एक और नया महंगाई का झटका लग गया है। बता दें कि एक बार फिर से राज्य में बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा सुधा दूध और डेयरी प्रोडक्ट के दामों में 24 अप्रैल से 2 से 3 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। मालूम हो कि दामों में वृद्धि किए जाने के बाद अब सुधा फुल क्रीम दूध की कीमत 69 के बजाय 62 रुपए हो गई है। वहीं टोंड मिल्क की कीमत 49 रुपए प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा सुधा गाय का दूध की कीमत 52 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। इसके साथ ही अन्य सभी तरह के दूध में भी 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मालूम हो कि दूसरी बार है जब सुधा कंपनी की ओर से दूध के दाम में बढ़ोतरी की गई है। बिहार डीएलएड 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी आगे। अगर आप भी डीएलएड 2023 में एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड की ओर से डीएलएड परीक्षा 2023 को लेकर एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन करने का समय 21 अप्रैल 2023 तक निर्धारित किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 26 अप्रैल 2023 तक कर दिया गया है। वहीं इसके बावजूद भी अगर किसी छात्र के द्वारा 26 अप्रैल तक आवेदन नहीं किया जा सका तो वे लेट शुल्क के साथ 29 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि छात्र को आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर हुई बैठक। बीते दिन शुक्रवार को बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के बीच करीब 2 घंटे तक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दोनों विभागों के शीर्ष अफसरों के बीच अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया और पैटर्न आदि पर प्रारंभिक विचार मंथन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षा के पैटर्न को तय करने की जिम्मेदारी और अध्यापकों के चयन की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी गई है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। हालांकि इसका औपचारिक आदेश अगले 1 से 2 दिनों में जारी किया जाएगा। इसके साथ ही विद्यालय अध्यापकों के वेतनमान तय करने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया गया है। हालांकि इसके संदर्भ में अब तक औपचारिक निर्णय नहीं हो सका है। दुकानों के आगे 2 डस्टबिन न रखना आपको पड़ सकता है महंगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का दुकान बिहार की राजधानी पटना में है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल पटना नगर निगम की टीम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर एक नया नियम बनाया गया है। बता दें कि जो नियम बनाया गया है उसके तहत अब 2 से 3 दिनों में पटना के हर दुकानदारों को, चाहे वह स्ट्रीट वेंडर हो या फिर अस्थायी दुकानदार, सभी को अपनी दुकान के आगे 2 डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। इन 2 डस्टबिन में 1 डस्टबिन गीले कचरों के लिए, वहीं दूसरा डस्टबिन सूखे कचरे को रखने के लिए रखा जाएगा, ताकि नगर निगम की कचरा गाड़ी को अलग अलग गीला और सूखा कचरा समेटने में सुविधा मिलेगी। बता दें कि अगर दुकानदारों के द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो उन्हें 500 से लेकर 5000 तक का जुर्माना देना होगा।
बिहार के 7 जिलों के डीईओ पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के 7 जिलों के डीईओ से अब तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पदों की गणना कर रिपोर्ट नहीं देने को लेकर 24 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। बता दें कि इसके लिए माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के द्वारा सभी को पत्र लिख कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के कार्यान्वयन के क्रम में जिला परिषद एवं नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन इकाई में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों की गणना करे और साथ ही उसे समेकित रूप से 20 अप्रैल तक निदेशालय को उपलब्ध करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी अब तक इन 7 जिलों के द्वारा ये रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। ऐसे में निदेशक के द्वारा उनसे पूछा गया है कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए। बता दें कि जिन 7 जिलों के द्वारा रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है उनमें मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, दरभंगा, सिवान, मधेपुरा और बांका शामिल है। बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना के 2.21 लाख लाभुकों को भेजा नोटिस। बिहार सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य के वैसे लोगों को नोटिस भेजा गया है जिन्होंने इस योजना के तहत सरकार से राशि तो मिल गई है लेकिन उन्होंने अब तक आवास का निर्माण नहीं करवाया है। बता दें कि सरकार के द्वारा ऐसे 2.21 लाख लाभुकों को रेड व्हाइट नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही इस मामले को लेकर लापरवाही बरतने के आरोप में 309 आवास सहायक और 38 आवास पर्यवेक्षक के खिलाफ सरकार की ओर से विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने लाभुकों के खाते में इस योजना के तहत पैसे तो डलवा दिए लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया कि जमा कराए गए पैसों से लाभुकों ने आवास का निर्माण करवाया है या नहीं। मालूम हो कि जिन जिलों के लाभुकों को सरकार की ओर से नोटिस भेजा गया है उनमें गया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, बेगूसराय, नवादा, अररिया और मधेपुरा शामिल है। पटना वासियों को बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और हीट वेव की मार झेल रहे पटना वासियों को बारिश ने राहत पहुंचाई है। दरअसल बीती रात मौसम में अचानक बदलाव देखा गया और इसके साथ ही तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई जिससे पटना वासियों को इस भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में हीट वेव और लू की चपेट में है। ऐसे में बीती रात की बारिश ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। मालूम हो कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगे कुछ दिनों तक राज्य के कई जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। अवैध बालू खनन मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग। बीटा के कोइलवर में बालू माफियाओं के द्वारा खनन अधिकारियों के साथ मारपीट किए जाने के बाद राज्य में बालू के अवैध खनन करने वालों पर नकेल कसने के लिए आज मुख्य सचिव और डीजीपी की अध्यक्षता में पूरे मामले को लेकर हाई लेवल मीटिंग की गई। बता दें कि इस मीटिंग के दौरान बीटा मामले में अब तक हुई कार्यवाही की रिपोर्ट ली गई और साथ ही अवैध बालू खनन को लेकर हो रही कार्यवाही पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही यह भी फैसला लिया गया है कि अवैध बालू खनन और बालू की धुलाई की 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा अवैध बालू खनन को रोका जा सके इसलिए स्थायी चेकपोस्ट बनाए जाएंगे, संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया जाएगा और साथ ही वहां विशेष चौकसी भी रखी जाएगी। इसके अलावा इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि अब तक अवैध बालू खनन से जुड़े जितने भी मामलों पर FIR दर्ज की गई है उसका अनुसंधान कर शीघ्र से शीघ्र सभी दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। स्कूलों में कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास बनाने के लिए 8100 करोड़ रुपए मंजूर। बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में कंप्यूटर लैब व स्मार्ट क्लास बनाने के लिए केंद्र से 14,250 करोड़ रुपए की मांग की गई थी जिसमें से 8100 करोड़ रुपए के बजट को समग्र शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के द्वारा हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके साथ ही शिक्षकों की सैलरी के लिए भी 3,000 करोड़ से कुछ अधिक राशि की मंजूरी दी गई है और साथ ही कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री देने और अन्य सुविधाओं को लेकर 458 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी तरह कक्षा 1 से 8 तक के स्कूली बच्चों को बांटी जा रही किताबों के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी किए गए हैं। स्कूलों को ग्रांट के लिए 413 करोड़ रुपए दिए गए हैं। स्कूली बच्चों के पोशाक के लिए 1,000 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन हुई बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव संजय कुमार के द्वारा दी गई है। राज्य में मिले 133 नए कोरोना मामले। राज्य में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में बीते दिन यानी कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कुल 133 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 784 पहुंच गई है। वहीं बीते दिन मिले इस 133 नए मामले में अकेले बिहार की राजधानी पटना के 57 मामले हैं जिससे पटना में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 390 पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन कुल 49,000 सैंपल की जाँच की गई है।
मधुबनी पेंटिंग की सरकारी उपेक्षा पर पटना हाई कोर्ट इस दिन करेगी सुनवाई। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मधुबनी पेंटिंग की सरकारी उपेक्षा और दयनीय अवस्था पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए जवाबी हलफनामा पर विचार करने को कहा गया है और साथ ही यह भी कहा गया है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद की जाएगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट के द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट पर गहरा असंतोष जाहिर किया गया था और राज्य सरकार से कहा गया था कि मधुबनी पेंटिंग के विकास और विस्तार के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जाना चाहिए। वहीं मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह बाद की जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश कुमार और ललन सिंह को खुला चैलेंज। राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह को खुला चैलेंज दिया गया है। उन्होंने दावा किया है कि जदयू का टूटना तय है क्योंकि जदयू के कई नेता उनके संपर्क में है। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपको जदयू में टूट देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उनके संपर्क में जेडीयू के कौन से नेता हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने कोई चुनौती ही नहीं रहेगी। वहीं नीतीश कुमार की विपक्षी एकता पर कहा कि इसमें क्या नया था, मोदी के मुकाबले विपक्षी एकता जैसी कोई पहल सफल नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही जेडीयू का बुरा हश्र होगा। जेडीयू के शीर्ष नेताओं के सामने ही उनकी पार्टी बिखर जाएगी। श्रेयस अय्यर की सर्जरी पर आया बड़ा अपडेट। कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम के बेहतरीन बैटर श्रेयस अय्यर चोटिल हो गए थे जिस वजह से उन्हें आईपीएल 2023 से बाहर होना पड़ा था। वहीं उनकी चोट को लेकर बीसीसीआई के द्वारा उन्हें सर्जरी के लिए इंग्लैंड भेजा गया था और अब उनके सर्जरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट से यह बात निकलकर सामने आई है कि मंगलवार को हुई श्रेयस अय्यर की पीठ की सर्जरी सफल हो गई है। वहीं सर्जरी होने के बाद श्रेयस अय्यर ने वॉक भी किया। हालांकि इसके बावजूद भी श्रेयस अय्यर फिलहाल आईपीएल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर ही रहेंगे। मिली जानकारी के अनुसार वह लगभग 3 महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। वहीं ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वह वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले फिट हो जाएंगे। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा कसनगंज में है जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मलन कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राज, योगेंद्र रजक, अजीत पोरस, बिट्टू कुमार राज, भान प्रकाश मौर्य, दिव्या चौरसिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, अजीत कुमार, बिरोज कुमार, मुट्टू रंगीला, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सड़कों को साफ रखने के लिए किस तरह से अपना योगदान देते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।